हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर सिक्सटी क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं, देखते हैं क्या पहले दे इसमें देखना है, ये कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का है कि इंट्रांजिटिव नेचर का है, ठीक है। फिर पोजीशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन के बाद क्या है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो क्या करना है। अनदर लो मतलब दूसरा गिरावट वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ऑन ऑन के बाद देखो तो क्या आया है, तो बोलेंगे नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है आर्टिकल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। लेटेस्ट प्रोवोकेशन मतलब, प्रोवोकेशन मतलब क्या है, उत्तेजना, किसी को उकसाना, भड़काना, बाय किसके द्वारा। फिर यहाँ पे आया, फिर पोजिशन के बाद क्या है, तो बोलेंगे नाउन। यहाँ पे ये नाउन हो गया, ये सारे क्या हो गए एडजेक्टिव। किस ग्रुप के द्वारा, तो कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट अलगाववादी ग्रुप है उनको, कहाँ पे, तो कनाडा में। चलो देखते हैं, कनाडा इज डूइंग, जब भी लिटल आ जाए ना तो समझ जाना ना के बराबर क्या होता है, ना। डूइंग वेरी लिटल मतलब ना के कुछ नहीं कर रही है। टू टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो कौन ऑब्जेक्ट है, तो बोलेंगे ये वाला। नाउन का पोसेशन किस पे है, नाउन पे। तो एड्रेस करना, क्या चीज का एड्रेस करना, कंसर्न उन इंडिया के, कंसर्न इंडिया के चिंताओं को संबोधित करने के लिए कनाडा क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ऑन सिख एक्सट्रीमिस्ट मतलब सिख के लोग, सिख जो लोग है क्या, माओवादी लोग हैं उन पर, ठीक है। चलो इसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं पहले। ठीक है, दिख रहा है अब। चलो ए आर्टिकल है तो यहाँ पे क्या है, नाउन। टेबुल यू, डब्ल्यू इन ब्रामपोर्ट, ठीक है, कहाँ पे, कनाडा में, ठीक है। तो ये होता है, इसका मतलब होता है झांकी, प्रदर्शन जो होता है, यात्रा वो, ठीक है। डब्ल्यू मतलब क्या होगा, झांकी प्रदर्शन। ग्लोरीफाइंग आपको बताना है क्या, ग्लोरीफाइंग मेरा वर्ब है क्या, ठीक है, आपको क्या बताना है, वर्ब है। अगर वर्ब नहीं तो आखिर क्या है, ग्लोरीफाइंग, ग्लोरीफाइंग मतलब क्या होता है, प्रेज करना, ठीक है, किसी को सराहना मतलब किसी को, चीज को मानना। ग्लोरीफाई द एसिनेशन ऑफ फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का जो हत्या हुआ था उसको क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, सही ठहरा जाए। हैज, हैज किसके लिए, तो बताना क्या किसके लिए आएगा हैज, क्या प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के लिए आएगा, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो जिसनल ऑब्जेक्ट है। एसेसिनेशन आएगा, नहीं, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है। ग्लोरीफाइंग क्या है बताना, तो ये एडजेक्टिव है, बता देते हैं, ठीक है, क्या एडजेक्टिव है। कनाडा प्रीपोजिशन है वो भी नहीं, तो किसके लिए, डब्ल्यू के लिए, ठीक है। हैज, हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म देंगे, तो बोलेंगे हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बताना थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो हैज के बाद V3, तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एड वर्ब हो जाएगा। हैज कॉज्ड, अब क्या उत्पन्न किया है, आउटरेज, क्या उत्पन्न किया है, आउटरेज, कौन मतलब उत्पन्न करना, आउटरेज मतलब एकदम क्या होता है, जैसे रैली, प्रदर्शन, चिंता, ये सब क्या उत्पन्न किया है, अक्रॉस द पॉलिटी इन इंडिया, कहाँ पे, इंडिया में पूरे राजनीति दलों में हलचल मचा दिया है, ठीक है। द, अब द के बाद है नाउन, तो डब्ल्यू वाज, अब वाज के बाद क्या, पार्ट, ये क्या आ गया नाउन, वाज पार्ट था। एन ऑफ एन एनुअल पैरेड, किसका, एनुअल पैरेड का, तो ऑफ के बाद देख लो क्या है, नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। बाय कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट, कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट माओवादी, अलगवादी है वो, जिसको बोलते हैं खालिस्तानी ग्रुप। टू मार्क दियर प्रोटेस्ट, अब अपना चिन्हित करना, अपना जो मनाते हैं ना सेलिब्रेशन, अपना प्रोटेस्ट का, किसके खिलाफ, ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ इन 1984 में, कब, 1984 में जो हुआ था उसके खिलाफ, ब्लू स्टार उसके खिलाफ, वो क्या करते हैं, हर वर्ष प्रदर्शन करते हैं। एकॉम्पनिंग पोस्टर, अब एक कुछ है पोस्टर लिए हुए। टर्म्ड, अब टर्म मतलब बताए, ठीक है। द किलिंग एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज, रिवेंज का क्या है ये, रिवेंज का ये बदला है, ठीक है, बदला है जो एक्ट का क्या है, बदला है ये किलिंग, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर, अब ये हो जाएगा नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। राजनीतिक लीडर इन इंडिया, हैव किसके लिए, इंडिया के लिए आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। हैव
कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर मतलब क्या होता है, डिमांड करना, डिमांडेड। कनाडा टू अपोलोजाइज मतलब माफी मांगे। एंड अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे दो इन्फिनिटिव को जोड़ रहा है। टू एक्नोलॉज, एक्नोलेज, एक्नोलेज मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, ठीक है। द डेंजर ऑफ द राइज ऑफ एंटी इंडियन सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीम फोर्सेस, अब किसको एक्सेप्ट करें, खतरा किसका, एंटी इंडियन सेपरेटिस्ट का जो बढ़ रहा है खतरा, उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ठीक है, एंटी इंडिया मतलब इंडिया के खिलाफ। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर सेड, सेड कहे थे, अब यहाँ पे डैट रहता है जो कि क्या है, छुपा हुआ है। द इंसिडेंट वाज पार्ट, इंसिडेंट जो घटना था वो एक क्या था, हिस्सा था ऑफ ए ब्रॉडर पैटर्न, बहुत बड़े पैटर्न का एक छोटा हिस्सा था। इंडिकेटिंग, अब फिर बताना इंडिकेटिंग क्या है, जो कि बतला रहा है, तो इंडिकेटिंग क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। डैट दीज फोर्स, दीज के बाद नाउन हमेशा क्या होता है, तो प्लुरल होता है। पोज, पोज मतलब होता है उत्पन्न करता है, ठीक है, पोज मतलब याद रखिए उत्पन्न। दीज फोर्सेस पोज रियल चैलेंज, एक बहुत ही रियल चैलेंज, ठीक है, वास्तविक चुनौती उत्पन्न करता है। नॉट ओनली टू इंडियन कैनेडियन रिलेशनशिप, न केवल इंडिया और कनाडा के रिलेशन, बट ऑल्सो टू, नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या लगता है, बट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे भी प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रीपोजिशन। अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नॉट ओनली के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब ये बट ऑल्सो के बाद भी क्या रहेगा, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। टू कनाडा इटसेल्फ, न केवल भारत और कनाडा के रिलेशनशिप को खराब करेगा बल्कि कनाडा को भी। इट सजेस्टेड, ही सजेस्टेड, अब प्रोनाउन पूछना है, प्रोनाउन आया किसके लिए, तो जेस जयशंकर सजेस्ट किए थे। डैट, और डैट आया कंजंक्शन, तो इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। द फेल्यूअर, असफलता। टू एक्ट, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम करने के लिए, जो असफलता है किसके लिए, एक्ट काम करने के लिए। अगेंस्ट दीज ग्रुप्स, किसके खिलाफ, इन ग्रुप के खिलाफ। अब बताना वाज आया किसके लिए आया, क्या दीज ग्रुप के लिए आएगा, नहीं, क्योंकि ये प्लुरल है, ऐसा नहीं, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा फेल्युअर। फेल्युअर आज ड्यू टू, फेल्युअर था किसके कारण, ए डिजायर टू कैटर, कैटर मतलब मीट, उसके जरूरत को क्या करना, पूरा करना। टू कैनेडियन वोट बैंक, कैनेडियन बैंक को पूरा करने के लिए ही क्या हो गया, वो असफल। डैट, डैट फिर हो गया कंजंक्शन, तो इसके बाद भी क्या गया, सब्जेक्ट और वर्ब। द मच ब्रॉडर कम्युनिटी ऑफ अबाउट एट सिक्स कंस्टिट्यूट मतलब जुड़ते हैं, इतना ये क्या है, सिख है। पूरा कहने का मतलब देखो, सब्जेक्ट वर्ब निकाल लेना और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लेना, और कहने का मतलब है कि वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये वोट बैंक का राजनीति है जिसमें इतना लोग क्या है, सिख हैं, तो उनको क्या फायदा मिलता है, सिख वोट मिलता है। ही एडेड, जोड़ा डैट कंजंक्शन, तो इधर भी सब्जेक्ट। द कल्चर ऑफ वैलिडेटिंग वायलेंस, वैलिडेटिंग कल्चर संस्कृति किसका, वायलेंस को सही ठहराने का। एज एन एक्सेप्टेबल फॉर्म, किस रूप में, स्वीकार किए हुए फॉर्म में। ऑफ प्रोटेस्ट वाज, अब फिर बोलो वाज किसके लिए आया है, तो बोलेंगे यहाँ पे किसके लिए आएगा, कल्चर के लिए। कल्चर वाज वन डैट शुड, अब डैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ गया। डैट शुड कंसर्न, अब जो चिंतित करेगा, किसको चिंतित करेगा, कैनेडियन लीडरशिप। एज वेल एज, एज वेल साथ ही, अब देखो यहाँ पे गिवेन, अब बताना यहाँ पे गिवेन क्या है, क्या ये वर्ब है, नहीं, गिवेन है प्रीपोजिशन, याद रखना गिवेन क्या है, प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है यह देखते हुए, गिवेन पास्ट एंटी इंसिडेंट, इन पास्ट इंसिडेंट को देखते हुए। सच एज जैसे कि, पास्ट एंटी से इंसिडेंट को देखना है, सच एज द बॉम्बिंग ऑफ एन एयर इंडिया फ्लाइट इन 1985, को पास्ट के एक्सीडेंट को देखना है, इंसिडेंट को देखना है, तो क्या, जो बॉम्बिंग एयर इंडिया फ्लाइट में कब हुआ था, बॉम्बिंग
ये वाला देखते हैं, ठीक है। इंडिया कनाडा रिलेशनशिप हैव बीन फॉट ओवर सिमिलर इशू, मतलब इंडिया और कनाडा का जो रिलेशनशिप है वो लड़ा जा चुका है इस तरह के इश्यू पर एज। अब बताना एज क्या, कंजंक्शन की प्रीपोजिशन, तो बोलेंगे प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्योंकि इधर भी क्या आया सब्जेक्ट, इंडिया हैज बीन। अब क्या बोले, इंडिया हैज बीन प्रोटेस्टिंग, हैज के बाद भी थ्री प्रोटेस्टिंग इंसिडेंट्स ऑफ वेंडालिज्म एंड एंटी इंडिया एंटी मोदी ग्रेफ्टी। चलो एक बार इधर कर लेते, हाँ ठीक है। इंडिया हैज बीन प्रोटेस्टिंग, विरोध कर रहा है किसका, इंसिडेंट ऑफ वेंडालिज्म, बदले की जो घटना है उसको क्या है विरोध कर रहा है, एंड एंटी इंडिया जो एंटी के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है, और एंटी मोदी ग्रेफ्टी ऑन टेम्पल एंड कम्युनिटी सेंटर देयर, ठीक है, एज वेल एज ओवर। साथ ही साथ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो रिमार्क, अब क्रिटिसाइजिंग बताना क्या ये वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं ये क्या है एडजेक्टिव, जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसको, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट ऑफ पंजाब फार्मर, जो कि जिस तरह का वो क्या है और उनके साथ क्या व्यवहार किए थे, हु किसके लिए, फार्मर के लिए, ब्रेयर प्रोटेस्टिंग इन 2020 एग्रीकल्चर बिल, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, एग्रीकल्चर बिल के खिलाफ। अब चूंकि पंजाब फार्मर का पोजीशन कौन सा है, तो बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट का, जिसके कारण ये क्या है वर्ब नहीं लेगी। एज ए रिजल्ट, जिसके अनुसार, अब उसका परिणाम क्या हुआ, इंडिया हैड कॉल्ड ऑफ मतलब समाप्त कर दिया हाई लेवल इंगेजमेंट, जितना भी मीटिंग होने वाला था क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था, एंड स्नैप्ड। अब बताना है यहाँ पे एंड जोर किसको रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे जोर रहा है कॉल्ड ऑफ को और स्नैप्ड मतलब हटा देना कम्युनिकेशन बिटवीन आया तो एंड आएगा ही आएगा, कहाँ पे एंड है यहाँ देखो, ठीक है, बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ओटावा फॉर सेवरल मंथ, सेवरल के बाद नाउन हमेशा क्या रहता है प्लुरल, बिफोर दे वेयर रिस्टोर, जो कि रिस्टोर होने से पहले, बी यहाँ पे बेयर क्या है बी भर, उसके बाद क्या है बी थ्री, रिस्टोर होने से पहले। चलो द, अब द आया तो यहाँ लेटेस्ट प्रोवोकेशन, जो उत्तेजना हुआ है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल का, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बेल क्या हो जाएगा एडवर्ब, लीड के साथ हमेशा क्या होता है टू होता है, लीड टू, जो कि ले जाएगा अनदर सच स्पाइरल, कुछ इस तरह का जो पहले घटना हुई है जिसमें क्या हुआ मीटिंग को खत्म कर दिया गया था उसी तरह का, एंड बोथ गवर्नमेंट नीड, अब दोनों गवर्नमेंट को जरूरत है टू रिजॉल्व, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द इशू रिजॉल्व करे किसको, इशू को, कैसे करे डिप्लोमेटिकली, तो कैसे, ये कैसे का जवाब दे रहा है तो क्या हो जाएगा एडवर्ब, रिजॉल्व करो किसको इशू को, कैसे राजनीतिक वे में क्या करो रिजॉल्व करो, इफ अगर, इफ दे वांट टू अवॉइड अनदर नादिर इन बायलेटरल टाइज, अगर वे दोनों क्या चाहते हैं अवॉइड करना चाहते हैं दूसरा किसी फिर से जो दुश्मनी ना हो, ठीक है, अच्छे रिलेशन हो, अगर ऐसा अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं दूसरा कुछ तरह का इस तरह का क्लैश, ठीक है, तो उनको क्या है पॉलिटिकली वे से सॉल्व करना पड़ेगा, व्हाइल कैनेडियन गवर्नमेंट इज विद इन इट्स राइट, ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट है क्या इसके राइट टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच, अब सही है, ठीक है, अपने अधिकार के अंदर ही है क्या प्रोटेक्ट करने के लिए फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द कंट्री, किसी को भी अपना जो बोलना है वो बोल सकता है, इट मस्ट अंडरस्टैंड इंडियाज कंसर्न, इसको चाहिए क्या, इट किसके लिए, कनाडा के लिए, कि अपना इंडिया का कंसर्न भी क्या है समझे, डैट टेबल डैट ग्लोरीफाई, जिसने प्रेज किया है एसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कंसीव्ड, अब देखो यहाँ पे डैट आ गया, ये हो गया क्या आपका कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद क्या होगा सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये भी एक क्या है सब्जेक्ट, इसको वर्ब कहाँ मिल गया यहाँ, तो इसको सब्जेक्ट को क्या चाहिए वर्ब चाहिए, ठीक है, वुड मिनिस्टर कंस्टिट्यूट, अब देखो फ्लेमेंट्री हेट स्पीच, अब ये टेबल्यूस को क्या हुआ
इन्फेंट्री हेट स्पीच जिसमें शामिल है एंड गुड फ्यूल रेडी क्लेलिज्म मतलब क्या जाति संप्रदायवाद ये दंगे को क्या है मतलब फ्यूल मतलब देखो हवा देना ठीक है तो इसको क्या है भड़का सकती है सकता है ठीक है। अब यहाँ पे कूड का मतलब ये मत समझ लेना कि ये पास्ट है ठीक है ये है प्रेजेंट ही है कम संभावना है। मीन वाइल इंस्टीड ऑफ सीकिंग अब मीन मांगने के बजाय टू शट डाउन प्रोटेस्ट को खत्म हुच आर लीगल जो कि क्या है लीगल है प्रोटेक्ट हुच आर लीगल और इशूइंग डीमार्ची ओवर एवरी एक्ट ऑफ वैंडलिज्म और इशू करना प्रदान दे देना ठीक है क्या सारे जो वैंडलिज्म के जितने भी एक्ट है उनको ठीक है। इट वुड बी मोर प्रोडक्टिव इफ अगर ये बहुत ही अच्छा होता अगर न्यू दिल्ली इज एबल टू कॉपरेट एंड शेयर इविडेंस अब देखना एंड किसको जोड़ रहा है तो इधर कॉपरेट ये शेयर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज एंड टेरर एक्ट सच ग्रुप्स आर कंस्पायरिंग और जिस तरह के ग्रुप्स क्या कर रहे हैं कंस्पायर कर रहे हैं मतलब संयंत्र रद्द है यूनाइटेड स्टेट एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप ठीक है। अब चलो यहाँ पे पहले गिवन दैट यह देखते हुए खालिस्तानी प्रोटेस्ट हैव बीन सीन इन ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे देखा जा चुका है ऑस्ट्रेलिया में यह पैसिव है क्यों क्योंकि हैव है यहाँ पे वी वर्ब प्लस वी थ्री यूनाइटेड स्टेट में यूनाइटेड किंगडम में पार्ट्स ऑफ यूरोप में द मोदी गवर्नमेंट मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ क्या हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ये क्या हो गया एडवर्ब मस्ट चॉक आउट ए ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी मतलब बनाए एक अच्छा सा स्ट्रेटजी टू इंश्योर टू के बाद वर्ब का ए मोर इफेक्टिव वे एक अच्छा ही प्रभावकारी वे ऑफ डीलिंग विथ डील विथ मतलब हैंडल करना डील इन मतलब व्यापार करना द प्रॉब्लम हुच वुड एवर बी डिस्कस विद द लीडर ऑफ ऑल दीज कंट्री जो कि क्या है प्रॉब्लम हुच वुड बी डिस्कस जो कि डिस्कस किया जाएगा वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या है बी थ्री विथ लीडर्स ऑफ ऑल कंट्री सभी कंट्री से हु आर क्या है ये कंट्री के लिए है आर एक्सपेक्टेड जिससे उम्मीद किया जा रहा है टू विजिट इंडिया जो विजिट करेंगे कहाँ इंडिया में इन सितंबर फॉर द G20 समिट के लिए ठीक है। तो इस तरह से देखना चलो सबसे पहला ये वाला ये बताना क्या है ठीक है कॉल्ड फॉर का मतलब क्या है डैट क्या काम कर रहा है प्रोटेस्टिंग क्या है ट्रीटमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कर रहा है एंड किसको जोड़ रहा है ये बेल क्या है अनदर के बाद नाउन हमेशा क्या आएगा बोथ आया तो क्या आना चाहिए टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा डैट यहाँ पे ये क्या कर रही है डैट क्या कर रही है यहाँ पे ये एक्टिव है कि पैसिव है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हुच किसके लिए आया है क्या प्रॉब्लम वर्ब लेगा ठीक है तो ये देख लीजिएगा ठीक